नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं 19 अगस्त 2022 को जो टीसीएस में पूछा गया था, मॉर्निंग स्लॉट को हम कवर करने वाले हैं। भाई इस पर्टिकुलर वीडियो पर हमारा फोकस न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पर रहेगा। दिस विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोज, हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे। 19 अगस्त 20 अगस्त जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। आगे जितने भी पेपर्स होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके पार्ट बाय पार्ट ये चलने वाला है। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ प्लेलिस्ट, मेक श्योर आप इसको एंड तक फॉलो करिएगा भाई, है ना। इसके अलावा एक चीज और, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। भाई पेपर थोड़ा सा टफ आया था, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल था, तो आप कैसे बेटर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, भाई इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, वो प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चों का अभी टीसीएस का प्रिपरेशन नहीं हुआ है भाई, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है बेसिकली अभी तक, और आप शॉर्ट टर्म में टीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो TCS टेस्ट सीरीज से बेटर कुछ भी नहीं है। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिनका TCS का पेपर हो गया बच्चों, जज मत करो यार कि कैसा गया कैसा नहीं गया, कट ऑफ कम जाने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग की है, तो फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। मेजर एलिमिनेशन आपका इंटरव्यू में होने वाला है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। तो उसके लिए रेज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है भाई। प्रॉब्लम यह है कि आपको 2 दिन पहले पता चलेगा कि 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू, ऑल ऑफ अ सडन इंटरव्यू डेट आती है, बच्चे घबरा जाते। तो मेरी बड़े भाई की एडवाइस यही है कि भाई आप पहले से प्रिपरेशन रख सकते हैं। तो भाई हम यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिलेगा, इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, इन नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाई, और अपनी क्वेरीज को रिजोल्व कर सकते हैं भाई। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री टॉपिक से पूछा गया था भाई। कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, कितनी बार ये प्रॉपर्टी बताइए कि हेक्सागन के अंदर जो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ये जो 6 ट्राइंगल्स बनते हैं हेक्सागन के अंदर, अगर डायगोनल्स को जोड़ दिया जाए तो इनको मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ट्रीट कर सकता हूं। तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको बोला गया है कि भाई रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर बताना है ना, पैरामीटर बताना। अगर हमको हेक्सागन की साइड पता चल गई, मान लो साइड ए है, तो 6A जो है वो पैरामीटर हो जाएगा सारी साइड्स का, 6 साइड है, 6A पैरामीटर हो जाएगा। आपको एरिया गिवन है पूरे हेक्सागन का, यानी कि इन 6 ट्राइंगल्स का आपको एरिया गिवन है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर हेक्सागन की साइड ए हो गई तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करूं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3a² / 4। ये ट्राइंगल का एरिया होता है, ये एक ट्राइंगल का एरिया है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे 6 ट्राइंगल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, दैट विल बी इक्वल टू पूरे हेक्सागन का एरिया, 21√3। कुछ भी नहीं करना था, इसको सॉल्व कर लेना था, एक ही वैल्यू यहां से निकाल देनी थी, √3 से √3 कट गया ये आपका डायरेक्टली। ये आपका आ गया 3 टाइम्स, दिस विल टर्न आउट टू बी 2 टाइम्स, ये आपका गया 7 टाइम्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14, यानी ए की वैल्यू आ गई √14 भाई, √14 आ गई। ए क्या है, एक साइड है, पैरामीटर क्या है, 6a है, तो 6 * a की वैल्यू क्या है, √14। तो 6√14 जो है वो पैरामीटर निकल के आ गया हेक्सागन का, आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, क्यों नहीं बन रहा था मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपको टीसीएस सुपर सेट कोर्स में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में करा रखे हैं, 2 वीडियोस देखना भाई, ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी बता रखी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस पर था भाई, देखने का ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है मेरे बच्चों। एक्चुअली ये मिक्सचर एलिगेशन का है, आपको मैंने मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में बताया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे मैंने टोटल 36 वीडियोस दे रखी थी। इसमें आप देखो एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन के, राइट। और उसके अलावा एलिगेशन ट्रिक भी बताई हुई थी भाई, इन दोनों को यूज करके सॉल्व करना था भाई। क्या दिक्कत आ रही है आपको, बोला एक फार्मर है, उन्होंने ट्रॉली और ट्रैक्टर खरीदा 8 लाख रुपए का, ठीक है भाई। ट्रैक्टर को उन्होंने 30% प्रॉफिट पे बेचा, ट्रॉली को 10% लॉस पे बेचा, और इस ऐसी पूरी डील में ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 3% का हुआ। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रैक्टर और कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रॉली का रेशियो निकालना है। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैक्टर लिखता हूं, राइट हैंड साइड में ट्रॉली लिखता हूं भाई। मैंने आपको बताया भी था लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। तो भाई ट्रैक्टर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 30% हो गया, ट्रॉली पर -10% का लॉस हो गया। ओवरऑल जब इनको मिक्स किया तो 3% का प्रॉफिट हो गया, इसलिए +3 लिखा है आगे, है ना। -10 क्यों लिखा, क्योंकि 10% का लॉस हुआ भाई। जरा सॉल्व करना, एलिगेशन रूल में मैंने क्या बोला था, बड़े में से छोटा माइनस करते, तो 30 में से 3 माइनस किया
तो 27 बचा है यहाँ पर। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 3 बड़ा है, तो 3 में से मैं क्या माइनस करूंगा, माइनस 10 माइनस कर दूंगा। यहाँ पे 30 में से 3 माइनस किया तो 27 बना, बड़े में से छोटा। अब यहाँ पर 3 बड़ा है, माइनस 10 छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3 में से माइनस 10 को माइनस कर देंगे, यानी 3 प्लस 10 यानी 13 आ गया ये। तो भाई आपका ट्रैक्टर इस टू ट्रॉली का रेशियो क्या बन गया, 13:27 का बन गया। देखो ट्रैक्टर के नीचे 13 लिखा है, ट्रॉली के नीचे 27, 13:27 का इनका रेशियो आ गया, आंसर ऑप्शन बी आ गया। ये वैल्यू केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी थी भाई। मैं मानता हूँ यार पेपर डिफिकल्ट था, टफ था, लेकिन अगर दिमाग में चीजें क्लियर हैं, इनफ आपने प्रैक्टिस की है भाई, अगर आप 10-20 दिन की तैयारी में गए होगे तो आप नहीं क्रैक कर पाए होगे, लेकिन अगर आपने रेगुलरली 4 साल धीरे धीरे एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो आप आसानी से क्रैक कर पाते। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ भाई, जितना जल्दी प्रिपरेशन करोगे कंपनीज का उतना अच्छा है। अभी भी आप ढीले बैठे हो तो आगे कंपनीज में भी यही दिक्कत आएगी, है ना, आसान नहीं होता है बच्चा, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड, आंसर 13:27 हो गया। अगला सवाल एवरेज का मेरे भाई, ये भी देखने में एवरेज का सवाल है, ये भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। मैंने आपको TCS के कोर्स में अगर आपको याद हो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स निकलवाए थे, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था, लेकिन ये एलिगेशन रूल से होगा। तो जब भी नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना होता है तो एलिगेशन रूल लगता है, बताया हुआ था ये आपको। सेम लॉजिक पर ये पूछ गया भैया, एक फैमिली है उसमें 10 एडल्ट हैं, कुछ माइनर्स हैं भाई, एवरेज कंजम्पशन ऑफ फ्लोर भाई 12 किलो जो है फ्लोर का कंजम्पशन है ऑन एन एवरेज, जिसमें से एडल्ट जो है वो 15 केजी है उनका कंजम्पशन, माइनर का 7 केजी है। तो भाई एडल्ट का 15 केजी है कंजम्पशन, माइनर का 7 केजी है, है ना, ऑन एन एवरेज दोनों मिला करके 12 केजी कंजम्पशन करते हैं, कितने माइनर से ये पूछा है, 10 एडल्ट ऑलरेडी दे रखे हैं। तो भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एडल्ट लिख दो, राइट हैंड साइड में माइनर लिख दो भाई। एडल्ट कितना कंज्यूम करते हैं 15 केजी, माइनर कितना करते हैं 12 केजी, ऑन एन सॉरी माइनर कितना करते हैं 7 केजी। तो एडल्ट करते हैं 15 केजी, माइनर करते हैं 7 केजी, और दोनों मिलकर के ऑन एन एवरेज कितना करते हैं भाई 12 केजी, तो 12 केजी बीच में आ जाएगा। रेशियो निकाल दो, 15 में से 12 माइनस कर देना इधर, और इधर क्या माइनस करेंगे 12 में से 7, बड़े में से छोटी वैल्यू, तो ये आ गई आपकी 5, ये आ गई 3। तो एडल्ट इज टू माइनर का रेशियो 5:3 निकल के आ रहा है। आपको बोला एडल्ट 10 है, कितने माइनर है भाई, अगर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो 5:3 रेशियो था। एडल्ट मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 10 दे रखे, यानी 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो मेरे हिसाब से माइनर 3 होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइनर निकल जाएंगे। या आप ऐसा मान सकते हो 5:3 एडल्ट इज टू माइनर का रेशियो है, तो अगर 10 एडल्ट है तो 10:6 भी 5:3 हो गए, तो 6 माइनर हो गए हमारे, 6 आंसर आ गया। बताओ भाई क्या मुश्किलात थी भाई इस क्वेश्चन में, क्या दिक्कत आ रही थी भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, है ना। अगेन आपको यहाँ पर मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये सारी चीजें जो हैं वो करा रखी हैं, TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रखे थे। ये मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ भाई। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए भाई, ये सिंपलीफिकेशन पे था, अगर आपको याद हो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में सिंपलीफिकेशन में, सेकेंड बैच में मैंने इस टाइप का सिंपलीफिकेशन कराया था राइट, 3125 के ऊपर पावर एक्स चढ़ी थी, फिर कुछ और पावर चढ़ी थी, कुछ और पावर चढ़ी थी। इसका बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चा, आपको सॉल्व नहीं करना था। ये देखो 8 की पावर x प्लस 1 लिखा है, प्लस 8 की पावर 1 माइनस x लिखा है, इज इक्वल्स टू 20 लिखा है। मेरे भाई आप इस बात को समझो, मैं 20 को 8 की पावर में नहीं लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको 2 की पावर में रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं। आप देखना जरा, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं x प्लस 1, प्लस यहाँ भी 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस एक्स हो गई, इज इक्वल टू 20 हो गई। अब यहाँ पे दिमाग चलाओ भाई, दिमाग चलाओ, ये 2 की कुछ पावर है, ये भी 2 की कुछ पावर है, क्या मैं 20 और बीच में सम लगाए, देखना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को समझो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की कुछ पावर चढ़ी है, फिर 2 की कुछ पावर चढ़ी है, बीच में प्लस लगा है, तो क्या मैं 20 को राइट हैंड साइड को 2 की पावर कुछ प्लस 2 की पावर कुछ लिख सकता हूँ क्या? इस अप्रोच से करोगे तो जल्दी चल पड़ेगा भाई, यूट्यूबर्स ने जल्दी जल्दी सॉल्व कराने के, भाई सबसे पहले हम सॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं, इस चक्कर में आधी चीजें तो गलत कराई और लेंदी मेथड बचे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया। दिमाग दिया है भगवान ने, यूज करो, 20 को दो पार्ट में डिवाइड करो, क्या कर सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 लिख दी और यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दी, ये कितना हो गया 4 प्लस 16 20 आ गया मेरा, है ना।
तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 जो है ये मिला करके तुम्हारा 4 प्लस 16 जो है वो 20 आ गया। अब इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, देखो अब ये जो है 3 की पावर x प्लस 1 है, ये 3 की पावर 1 माइनस x है, यहाँ माइनस इन्वॉल्व है तो ये छोटा टर्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि भैया ये 3 x+1 जो है ये 4 के बराबर हो गया, और 3 x 1 - x को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 2 मान सकता हूँ। देखो 2 पे पावर 2 चढ़ी है, 2 पे पावर 4 चढ़ी है, तो ये 2 पे पावर 4 चढ़ा दी पहले, ये 2 पे पावर 2 चढ़ा दी, क्योंकि इसमें माइनस है इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये छोटा टर्म होगा, इसमें प्लस है इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बड़ा टर्म है। आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप 3 x+1 को 2 मान सकते हो, 3 x 1 - x को 4 मान सकते हो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 3x+3 जो है वो आ गया 4, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 3 = 1, x की वैल्यू आ गई 1/3, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1/3 दे रखा था, ठीक है। तो आंसर आ चुका है आपका, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए 3 - 3x = 2 हो गया, 3 - 2 हो गया 1, 3x = आपका आ गया यहाँ से क्या, 3 - 2 = 1, 3x = 1, तो x की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 1/3 जो है वो निकल करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखो तो 3 - 3x = 2 आ गया, ये हो गया 3x+3 = 4, 4 - 3 = 1, एक्स की दोनों तरफ से वैल्यू जो है वो 1/3 जो है वो निकल करके आ रही है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या बना सकता था भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी में ये बना सकता था भैया कि इसको मैं 2 मान लूं और इसको मैं 4 मान लूं, किसने रोका है, बिल्कुल बना सकता था भाई, ये 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 4 हो गई, रख दो भाई एक बार जरा वैल्यूज फटाफट से, है ना, एक बार जल्दी से वैल्यूज रख दो, है ना। इधर देखो भाई, देखो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया 2 और इसको मैंने मान लिया 4, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 की पावर 2 हो गया 4, ये 2 की पावर 4 हो गया 16 आपका, तो ये क्या हो जाएगा 3x+3 = 2, 3 - 3x = 4, तो ये क्या हो गया 3x = 2 - 3 हो गया -1, x की वैल्यू -1/3 आ गई। यहाँ पर देख लो भाई, ये हो गया 3 - 4 - 1 = 3x, तो x की वैल्यू अगेन -1/3 आ गई, तो 1/3 और -1/3 दोनों करेक्ट आंसर हो गए भाई, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हम रख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल सिंपल था, मैंने 8 को 2 की पावर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं 20 को 8 की पावर्स में नहीं लिख पा रहा था, लेकिन मैं 2 की पावर में लिख पा रहा था, 2 की पावर 2 + 2 की पावर 4, बीच में प्लस लगाए तो यहाँ भी मैंने प्लस रेप्लीकेट कर दिया, तो यानी यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, या तो मैं इसको 2 रख दूं इसको 4 रख दूं, या तो इसको 4 रख दूं इसको 2 रख दूं भाई, क्योंकि 2 की पावर 2 + 2 की पावर 4 करना था, यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही थी, x की वैल्यू 1/3 एंड -1/3, सेकंड पॉसिबिलिटी एक्चुअली चेक ही नहीं करना था, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1/3 था भाई, तुरंत मार्क करके धुआं धुआं करके आप आगे जो है वो निकल सकते थे, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली सोचते, प्रैक्टिस की होती ना, तो आराम से क्वेश्चन बन जाता। अगेन भाई जिनने 5-10 दिन में तैयारी की उनसे वैसे भी नहीं बनना था। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भाई बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था भाई, क्वार्टाइल जो है ये पीएचडी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मैथ्स में यू नो पीएचडी करना चाहते हैं ना उन बच्चों को पढ़ाते हैं क्वार्टाइल वगैरह। तो अगेन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, देखो भाई आपको फर्स्ट क्वार्टाइल दिया है 28, थर्ड क्वार्टाइल दिया है 42, आपको क्वार्टाइल डेविएशन का यू नो कोएफिशिएंट बताना था। देखो भाई क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, फिर उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देता हूं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्वार्टाइल डेविएशन होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाय 2, तो तीसरे क्वार्टाइल में से पहला क्वार्टाइल सबट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। इस बैच के बच्चों को कोएफिशिएंट पूछा है, हो सकता है तुमसे क्वार्टाइल डेविएशन ही पूछ ले, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, Q3 - Q1 / Q3 + Q1, यानी कि दोनों क्वार्टाइल थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस लो और सम लो, भाई काम खत्म। थर्ड क्वार्टाइल इज 42 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल इज 28, है ना, ये आ गया आपका 42 + 28, गिवन है ये तो क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपका 14, ये हो गया आपका 70, तो 14/70 इज नथिंग बट 1/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगेन एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अगला सवाल एलसीएम एचसीएफ पे पूछा था भाई मेरे, एलसीएम एचसीएफ पे मैंने मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर 29 वीडियोस डाल रखी हैं, उसमें यहाँ देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस भी निकलवाया है, और इनकी ट्रिक भी बताई थी कि एलसीएम एचसीएफ निकालने की 12-12 ट्रिक्स बताई हैं मैंने यार कोर्स में, ताकि जल्दी से निकाल लो, है ना। अब यहाँ पर देखो भाई आपको बोला है 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं इनका, एलसीएम और एचसीएफ निकलवाया है। सबसे पहले मैं एलसीएम पर फोकस कर लेता हूं भाई, एलसीएम निकालना है 5/18, 35/9, 15/63। मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन है a/b, c/d और e/f
और इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का तो निकालोगे एलसीएम ही, जो पूछा गया है वो ही निकालोगे, और डिनोमिनेटर के साथ कर दोगे बेईमानी, बताया था मैंने, है ना। तो एलसीएम निकाल लेंगे न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर के साथ बेईमानी कर देंगे, एलसीएम ना निकाल के एचसीएफ निकाल देंगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई ई का, तो मैंने आपको क्या बोला, न्यूमरेटर के साथ कभी भी बेईमानी मत करना, न्यूमरेटर जो है उसका तो एचसीएफ ही निकालेंगे, डिनोमिनेटर के साथ हमेशा बेईमानी कर देंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल लेंगे भाई, सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना था आपको, निकालना है एलसीएम किसका बाबा, 5/18, 35/9 और 15/63 का, करना जरा सॉल्व। क्यों नहीं होगा सॉल्व, आप कर दो क्या, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम ऑफ 5, 35 and 15 डिवाइडेड बाय एचसीएफ निकालेंगे किसका, 9, 18 और 63 का, कर दो जरा सॉल्व इसको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो 5 की टेबल में 15 और 35 दोनों आते हैं ना, तो 5 का तो कोई रोल नहीं है। अब 15 और 35 बचे, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 into 5, 35 को क्या लिख सकता हूँ, 7 into 5, तो ये क्या हो गया, 3 into 5 into 7, ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। अभी सॉल्व नहीं करना, मैंने हमेशा बताया सॉल्व लास्ट में किया करें, 3 into 5 into 7 ये आपका एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ 9, 18 और 16। भाई मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 9 की टेबल में 18 भी आता है, 63 भी आता है, तो इन दोनों को काट दो, 9 आपका एचसीएफ निकल जाएगा डायरेक्टली, है ना। जिसको नहीं समझ आ रहा वो नॉर्मल मेथड से कर लेना भाई, ये 1 time गया, ये 3 time गया, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 7 into 5, 35/3। अभी इसको लिख के रख लो, बाद में अपने काम आ जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं है। एचसीएफ निकालना है मेरे को किसका एचसीएफ निकालना है भाई, यहीं पे मैं कर देता हूँ, एचसीएफ निकालना है मेरे को किसका एचसीएफ निकालना है, अगेन 5/18 और 35/9 और तीसरा नंबर क्या था, 15/63, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो न्यूमरेटर के साथ तो भाई कोई बेईमानी नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का तो हम निकालेंगे एचसीएफ ही, डिनोमिनेटर के साथ हम बेईमानी कर देंगे 18, 9 और 63, क्लियर है, ये बेईमानी हम यहाँ पे कर देंगे भाई। अब देख लो भाई 5, 35 और 15 का एचसीएफ निकालना है, 5 की टेबल में 35 भी आता है, 15 भी आता है, दोनों को काट दो, 5 आ गया एचसीएफ यहाँ से। एलसीएम निकालना है 9, 18 और 63, अब 9 के टेबल में तो 18 आता है, 63 भी आता है, 9 काट दिया, 18 और 63 चेक कर लो एक बार, तो 18 को लिख सकता हूं मैं 9 into, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3 into 2 हो गया ये, 63 को कैसे लिख सकता हूं मैं 3 into 3 into 7, राइट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 3 into 3 into 2 into 7, ये यहां से आ गया, तो 5/3 into 3 into 2 into 7, तो इसको ऐड कर दोगे यहाँ पे प्लस 5/, ये कितना हो गया 3 into 3 into 2 into 7, कर दो भाई इसको मल्टीप्लाई, 14 into 9 हो गया, देखो 3, 3 जा 9, 7 2 14, ये 140 में अपन 14 माइनस करेंगे तो 126 आ जाएगा इधर पे, 126 आ रहा है, ये क्लैरिटी है, 126 आ रहा है भाई। देखो तो डिनोमिनेटर में 126 इन दोनों में ही है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, समय कम बच रहा था, मैंने आपको बोला था 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, समय कम बचे तो कम आर के आ जाते, एटलीस्ट आधी प्रोबेबिलिटी थी कि सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। 126 अगर आप क्लियर कट देखो तो 3 की टेबल में आता है 6 और 2 8 और 1 नॉट डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया मैंने, तो 126 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 4 times और ये 2 times जा रहा है, तो टोटल ये 42 टाइम जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी 42 का मल्टीप्लाई और इधर भी 42 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब 35 में 42 का जरा मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, 5 × 10 = 0, कैरी ओवर 1, 5 × 4 = 20 और 1 हो गया 21, ये हो गया 42, 3 × 2 = 6 और 4 × 3 = 12, 1 = 13, 136, 07, 3 × 2 = 5 और 1 ये आ गया, ठीक है। तो ये 1570 आई थिंक कुछ तो गड़बड़ की, 5 × 10 = 5 × 20 और 21, ये हो गया आपका 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 1 = 13, 07, 3 × 2 = 5, 1570 प्लस 5, तो ये मेरा तो 1575 आ रहा है, जबकि इट शुड कम आउट टू बी 1475, ऑप्शन बी आंसर है, एक बार चेक कर लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 4 × 12 और 3 × 2 = 6, दिस इज 42, ओके 50, 5 × 4 = 20, ओके दिस इज 21, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, ओके ये 13 लिख दिया मैंने दोस्तों, 12 होना चाहिए था ये, 126, इट शुड बी 126, तो 1470 प्लस 5, 1475 भाई,
1475 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, जल्दीबाजी में थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी। तो 1475 अपॉन 126 इज द करेक्ट आंसर। अब हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैं मान सकता था लेंदी था, डिफिकल्ट था, बट इसमें भी अगर आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता है और साथ में आपको एक चीज और ये पता, देखो जैसे मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने में समय नहीं वेस्ट किया क्योंकि मुझे एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक्स पता थी। तो जिनको ट्रिक पता है वो यार फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा यूट्यूब की भी प्लेलिस्ट में मैंने मोस्टली फोकस ट्रिक्स पर किया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रिक्स पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। 1475 by 126 is the correct answer। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज पे पूछा गया था। मेरे बच्चों यार ये कितनी बार, ये तो मैंने यूट्यूब पर ही करा रखा है, कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है, कोई नया पर्सन लीव कर रहा है, तो एवरेज कैसे यू नो डिफरेंशिएट करेंगे। आप डायरेक्ट देखो, छह लोगों का एवरेज 24 से 31.5 से इंक्रीज हो रहा है। पहले एवरेज 24 था, अब 31.5 हो गया, तो कितना डिफरेंस आ गया, 7.5 से एवरेज बढ़ गया, 7.5 से एवरेज बढ़ गया भाई, है ना। व्हेन वन ऑफ देम लीव्स द ग्रुप एंड अ न्यू पर्सन ज्वाइंस, तो भाई क्या बोला है, छह लोग थे ठीक है, छह में से एक पर्सन चला गया और दूसरा पर्सन ज्वाइन कर लिया, एक पर्सन चला गया और दूसरा पर्सन ज्वाइन कर लिया, तो पहले भी छह लोग थे अभी भी छह लोग हैं, इसकी वजह से एवरेज 7.5 जो है वो बढ़ गया है, है ना। जो पर्सन ज्वाइन किया है उसका वेट 60 है, जिस पर्सन ने लीव किया था उसका वेट क्या होगा भाई, 7.5 से एवरेज बढ़ा है, छह लोग पहले भी थे अभी भी छह लोग हैं, यानी सबके वेट में 7.5 बढ़ा होगा, तो इतना तो ये ओवरऑल वेट बढ़ गया है, इतना वेट ओवरऑल बढ़ गया है ना। तो अगर मैं इसमें 60 में से मैं माइनस कर दूंगा इसको, क्योंकि देखो समझो ना, पुराने वाले व्यक्ति का वेट प्लस ये वेट बढ़ गया है सबका, बढ़ने की वजह से नए पर्सन का वेट 60 आ गया, समझ रहे हो। तो 60 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो पुराने वाले का वेट आ जाएगा, 7.5 में 60 माइनस कर दो तो 60 माइनस 7.5 को क्या लिख सकता हूं, 15 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं इसको, 15/2 लिख दिया, ये 3 15 3 45 आ गया, तो ये आपका 15 बचेगा, तो पुराने पर्सन का वेट 15 आ गया। समझे कि नहीं समझे भाई, बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी मिली। नहीं भी आ रहा समझ में तो जो नॉर्मल मेथड, पुराना एवरेज 24 था, तो भाई पहले x1 x2 x3 अप टिल x5 और x6 ये 6 पर्सन मैं मान लेता हूं, तो इसको मैं और बेटर तरीके से क्या लिख सकता हूं, x1 से लेके x5 तक का जो सम है वो ले लिया मैंने, या चलो ऐसे ही लिख देता हूं, x1 x2 x3 x4 x5 और x6 इनका जो सम है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कितनी है, 24 है, तो मैं 6 को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, तो ये आ गया इन सब का सम। अभी नहीं सॉल्व करना, सॉल्व हमेशा लास्ट में करना है। फिर जो नया ग्रुप है उसमें x1 से लेके x5 तक तो सेम ही पर्सन है ना, अब x6 की जगह x7 आ गया, नया आ गया, x6 पुराना था अब x7 नया है ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो नया एवरेज 31.5 आ गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ ठीक है, 31.5 आ गया नए व्यक्ति का एवरेज ठीक है। अच्छा डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दूंगा, टेंशन मत लेना ठीक है। तो इधर क्या कर दिया मैंने, ये 31.5 राइट हैंड साइड में, 6 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक करूंगा तो x1 से x1, x2 से x2 ये पांचों उड़ गए, x7 माइनस x6 कर रहा हूं, बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूं ठीक है, 7 माइनस x6 कर रहा हूं तो 31.5 इंटू 6 माइनस 24 इंटू 6 आ गया, तो यहां से 6 कॉमन ले लिया तो 31.5 माइनस 24 आ गया, तो x7 माइनस x6 करूंगा तो ये कितना आ गया आपका, 6 इंटू 7.5, अगेन यही वाली कहानी आ गई। तो x7 क्या है भाई, नया व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया, माइनस x6 क्या है पुराना, ये कितना हो गया 45 हो गया, तो 60 माइनस 45 कर दूंगा तो मेरा x6 आ जाएगा, पुराने वाले का वेट x6 की वैल्यू 15 आ गई। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे भाई आप यहाँ पर, बट मेनली यार डायरेक्टली दिमाग लगाओ कि भाई हर एक व्यक्ति का एवरेज 7.5 से बढ़ गया है ना, यानी हर एक व्यक्ति का वेट 7.5 से बढ़ गया, टोटल 6 व्यक्ति यानी 45 से टोटल वेट बढ़ गया है ना। तो कोई व्यक्ति था जिसका वेट 15 था, अब उसमें 45 और ऐड किया होगा तब जाके तो 60 बना होगा ना, तो 60 में अगर मैं 45 माइनस कर दूंगा तो 15 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका राइट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मैंने करा रखा है, पहली दो वीडियो ही देख लेना टाइम एंड वर्क की, मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट की, शॉर्ट बेसिक क्वेश्चन एंड शॉर्ट ट्रिक, इसमें मैंने चेन रूल बताया हुआ है आपको। चेन रूल में मैंने क्या बताया, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है, कितने डेज काम कर रहे हैं वर्क वन,
सेकंड केस में कितने आदमी हैं, कितनी एफिशिएंसी है, कितने डेज काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये इक्वल होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोला है भाई, एक रोड है 210 किलोमीटर की, उसको 540 लोग 28 दिन में कर पा रहे हैं, तो 540 लोग हैं M1, एफिशिएंसी में E मान लेता हूं सबकी, 28 दिन में काम को कर पा रहे हैं, तो 28 का यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या काम कर रहे हैं, 210 किलोमीटर की रोड बना पा रहे हैं। सेकेंड केस में कितने, हाउ मेनी वर्कमैन निकालना है आपको, एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं दिया तो सेम ही मानेंगे, E ही एफिशिएंसी मान लेंगे, कितने दिन लग रहे हैं 18 दिन, और कितनी बड़ी रोड बना रहे हैं 150 किलोमीटर की, लगा दो जरा इसको सॉल्व भाई, क्या था E से E कट गया सीधे, ये डायरेक्टली काटो ना 30 के टेबल में, 5 टाइम्स गया ये, 7 टाइम्स गया ये, 1 टाइम गया ये, 4 टाइम गया, राइट 18 × 18 × 3 30 आ गया, राइट तो ये हो गया आपका M2 इज इक्वल्स टू 4 × 3 12, 120 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आंसर आ रहा है, 600 लोग आपको चाहिए पड़ेंगे इस काम को पूरा करने के लिए, समझ पा रहे हो कि मेरी बात को, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये, कहीं से कहीं तक डिफिकल्ट नहीं था। अगला सवाल, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पर, माय गॉड, यूट्यूब पर MPH की क्लास में भी ये कराया हुआ है, कोर्स में भी कराया हुआ है, MPH की रिकॉर्डेड वीडियोस में भी, ट्रेन में 4 केसेस बताए थे मैंने, पहला ट्रेन जो है एक पोल को पास कर रही है, दूसरा ट्रेन जो है एक ब्रिज को पास कर रही है, तीसरा 2 ट्रेन ऐसी जा रही है, चौथा 2 ट्रेन ऐसी जा रही है, मैंने बोला था इन्हीं 4 केस में से आंसर आएगा, है ना। तो भाई यहाँ पर क्या बोला है भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एट अ सर्टेन स्टेशन इज 248 मीटर लॉन्ग, सेकंड केस जब ट्रेन एक स्टेशन को, ब्रिज को या टनल को क्रॉस कर रही है उसका पूछा है भाई, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या दे रखी है आपको, 248 मीटर दे रखी है भाई, है ना, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है 127 मीटर भाई, इन दोनों को तो पहले ही ऐड करके रख लो, जरूरत पड़ेगी, 8, 7, 15 × 5, 4, 2, 6, 1, 7, 375 मीटर, है ना, ये आपका डिस्टेंस बनने वाला है, मैंने बोला था डिस्टेंस क्या होता है, दोनों लेंथ को ऐड कर दो, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की ब्रिज की, ट्रेन की टनल की लेंथ को ऐड कर दोगे, आपका डिस्टेंस बनने वाला है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी सेकंड्स यानी टाइम पूछा है, डिस्टेंस गिवन है ना, और स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, सब कुछ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि सेकंड में पूछा गया है। आपको क्या बताया था मैंने, आपको क्या बताया था भाई, बताओ जरा, 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड हो गए, 5/18 मीटर पर सेकंड हो गए, तो 150 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, 5/18 × 150 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, समझ रहे हैं क्या भाई। तो ये आपकी आ गई स्पीड इन मीटर पर सेकंड, दिस इज योर स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड हो गई इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 375, टाइम को टी लिख दो जो अपन को चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में आई, डिस्टेंस भी मीटर में, तो टाइम अपने आप सेकंड में निकले, यूनिट हमने मैनेज कर ली भाई। अब एक काम करते हैं भाई, अपन 15 की टेबल पढ़ लेते हैं, ये 10 टाइम्स चला गया, 375 को 15 की टेबल पढ़ो, डायरेक्टली सॉल्व किया करें मेरे भाई, कितना हो जाएगा 15 × 10 हो गया, ये आपका टोटल 25 टाइम गया, 15 × 10 कितना हो गया 150, दुनी 300 और 150 का आधा 75, तो 5 आ गया, 25 आ गया यहाँ से, ठीक है, 5×1 = 5, ये 5 टाइम्स गया, यहाँ से ये आपका 2 टाइम्स चला गया, गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका टोटल 9 टाइम्स चला गया, तो यहाँ से क्लियर कट देख लो, डिनोमिनेटर में 9 है, टी की वैल्यू आपकी 9 आनी चाहिए, 9 सेकेंड्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो नहीं थे भाई, है ना। अगला सवाल यार, ये मैं मानूंगा यार ये थोड़ा सा टफ लेवल का था, लेकिन अगेन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की मेरा प्लेसमेंट होगा कि यूट्यूब लाइव क्लास में भी कराया है, वीडियो ऑलरेडी पब्लिक है, जाके तुम देख लो भाई, उसके अलावा कोर्स में भी ये मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन भाई। क्या बोला है, 2 स्टेशन है पी एंड क्यू, 42 किलोमीटर अपार्ट है भाई, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, इन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 42। अब मेरा अप्रोच समझना भाई, अप्रोच मैंने आपको बताया था, दिमाग लगाओगे ना तो पेपर निकलेगा। P और Q 2 स्टेशन है भाई, 42 किलोमीटर अपार्ट है भाई, 2 आदमी है रोहित और मोहित, मैंने सबसे पहले बोला डायग्राम बनाया करे, हवा में नहीं सॉल्व करना, 2 पर्सन है रोहित एंड मोहित, वो पी से लेके क्यू तक जा रहे हैं, पी से स्टार्ट कर रहे हैं क्यू तक जा रहे हैं भाई, स्पीड दे रखी है 6 और 8, तो रोहित की स्पीड 6 दे रखी है, मोहित की स्पीड 8 दे रखी है भाई, है ना। मोहित रीचेस क्यू फर्स्ट एंड रिटर्न्स टू मीट रोहित एट आर, तो बेसिकली हुआ क्या, रोहित ने चलना शुरू किया और मोहित ने भी शुरू किया भाई, मोहित जो है वो तेज चल रहा है,
रोहित जब तक यहीं पहुंच पाएगा तब तक मोहित जो है वो वापस भी आ गया, क्यू के पास जाके वापस भी आ गया। तो मोहित जो है वो क्यू को पहुंचा और वापस आर आर के पास रोहित को मिल गया। तो ये कोई पॉइंट आर है, यहाँ पर रोहित और मोहित मिल गए। अब रोहित ने तो इतनी डिस्टेंस बस ट्रेवल करी, मोहित ने ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके भाई ये वापस आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा अगर आप एक चीज देखो, अगर मैं रोहित की डिस्टेंस प्लस मोहित की डिस्टेंस का सम निकालूं तो क्या मैं इसको 2 × 42 नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको 84 नहीं लिख सकता? दिमाग लगाओ, रोहित ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखना ये केवल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मोहित ने 42 तो ट्रेवल करी, और जो बची हुई रोहित की डिस्टेंस है वो भी मोहित ने ट्रेवल कर लिया। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो इस डिस्टेंस को और मोहित की डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को सम करो तो 42, और मोहित ने पूरा 42 तो कवर किया ही था। ये दिमाग लगाना था भाई। तो 84 जो है वो टोटल डिस्टेंस हो गई भाई। आपको क्या बोला है, पी और आर के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी थी। ये दिस यूनिट टू फाइंड पी एंड आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी भाई। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। ये आर है, पी और आर के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी थी भाई। इनकी स्पीड दे रखी है भाई, है ना, और इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको, राइट। लगाओ भाई दिमाग, कैसे लगाओगे भाई। आपको एक चीज पता है, जितने समय में रोहित आर तक पहुंचा है उतने समय में मोहित जो है वो क्यू को क्रॉस करके वापस आ गया। तो टाइम इनका सेम आने वाला है, टाइम ट्रेवलिंग सेम है। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो स्पीड का रेशियो है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, जो स्पीड का रेशियो है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। अब स्पीड का रेशियो क्या है, 6:8 है रोहित टू मोहित की बात करूं, यानी 3:4 इनकी स्पीड का रेशियो है, यानी इनका डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 आ जाएगा। यानी रोहित और मोहित की डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया मेरे भाई, 3:4 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? और टोटल मिलाकर के इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 84 कवर करी है। तो अगर मैं इनको मिला दू, रोहित ने 3 करी, मोहित ने 4 करी, अगर मैं इनको मिला दू तो ये होता है 7। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल 7 डिस्टेंस कवर की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 कवर की। तो जो इनके अकॉर्डिंग 7 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 है, ध्यान से समझना। तो इनके अकॉर्डिंग जो 1 होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइड बाई 7 यानी 12। 84 को 7 से डिवाइड कर दोगे 12 बचेगा, देख लो भाई यहाँ पर। तो इनके अकॉर्डिंग जो 7 था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 था, तो इनके अकॉर्डिंग जो 1 था 84 में 7 को डिवाइड कर दिया, तो इनके अकॉर्डिंग जो 1 था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअली 12 है। अब आप इस बात को समझो मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है, पी और आर के बीच की डिस्टेंस। पी से आर तक कौन गया, रोहित गया। तो आप पी से आर की डिस्टेंस निकाल लो या रोहित की डिस्टेंस निकाल लो, एक ही बात है। तो रोहित की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। रोहित की डिस्टेंस क्या दे रखी है मेरे भाई, 3 दे रखी है रोहित की डिस्टेंस। तो 1 का मतलब 12 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 3 दैट इज 36। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट? आंसर आ चुका है 36। तो अगर पहले तुम ये दिमाग लगा लेते तो आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती। दूसरा, टाइम सेम करना है, जब भी दो व्यक्ति मीट कर रहे हैं सेम टाइम पे निकल रहे हैं तो भाई जो ट्रेवलिंग टाइम है वो दोनों का सेम रहेगा। टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो निकल करके आने वाला है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, है ना। तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो निकल के आने वाला है। टोटल डिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग रेशियो वाइज कैलकुलेट कर ली, एक्चुअल कैलकुलेट कर ली, यूनिटरी मेथड निकालना था, आपका आंसर आ जाना था। गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल सिंपल सा यार क्वेश्चन था, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 36 आ गया। अगला सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे पूछा गया भाई, इससे फुद्दू सवाल कोई नहीं आ सकता भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने इसलिए आपको बोला था जितना लंबा क्वेश्चन आएगा ना आप पढ़ने में ही उतना समय दे दोगे भाई, है ना। तो ऑलरेडी टाइम आपका जा रहा है तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे भाई। क्या बोला है, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो एक बात, तो यहाँ पर बोल रखा है क्या, नौका राजू और भावना की सैलरी दे रखी है 7:3 के रेशियो में, ठीक है। तो नौका राजा की सैलरी कुछ 7 मान ली, भावना की 3 मान ली, तो नौका राजू हो गए बी फॉर भावना। तो नौका राजू की सैलरी 7y मान ली, भावना की 3y मान ली, है ना। भावना स्किल्ड है तो उसका इंक्रीमेंट हुआ 5,000 रुपए से, तो 3y + 5,000 हो गई सैलरी। नौका राजू अच्छा नहीं है तो उसकी सैलरी 1,000 से कम हो गई, तो 7y - 1,000 हो गई, है ना। उनकी प्रेजेंट सैलरीज का रेशियो 1:1 है, 1:1 रेशियो का मतलब क्या है, उनकी प्रेजेंट सैलरीज इक्वल है, दैट्स इट, है ना। तो नौका राजा की प्रेजेंट, नौका राजू की प्रेजेंट सैलरी निकालना, इसको इक्वल कर दो, 7y में से 3y गया तो 4y बचा, इज इक्वल टू 6,000 आ गया। 5,000 में 1,000 ऐड करा
वाई की वैल्यू आ गई 1500, वाई की वैल्यू आ गई 1500। नौका राजा की प्रेजेंट सैलरी क्या है, नौका राजू की प्रेजेंट सैलरी क्या है, 7y-1000, तो 7 × y की वैल्यू कितनी है 1500, माइनस 1000 भी कर देना मेरे भाई, तो ये कितना हो गया 15 × 7 = 105, 00 - 1000 विल बी नथिंग बट 9500। डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो गया। इससे भी सिंपल मेथड बताऊं, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, दिमाग चलाओ। मैंने आपको बोला था आपका पूरा फोकस ऑप्शंस पे भी होना चाहिए, आपको सही आंसर नहीं निकालना, 3 गलत आंसर निकालने। मेरे प्रिंसिपल्स अगर तुमने फॉलो किए होते मेरे बेटे तो बहुत आराम से हो जाता। आपसे क्या पूछा गया है, नौकर राजू की प्रेजेंट सैलरी पूछी गई है, प्रेजेंट सैलरी 7y-1000 है, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये प्रेजेंट सैलरी है। अब अगर मैं इस प्रेजेंट सैलरी में से 1000 ऐड कर दूं, मेरी मर्जी है, मैं इस प्रेजेंट सैलरी में अगर 1000 ऐड कर दूं तो ये 1000 से 1000 कट गया और 7y बचेगा। तो जो भी प्रेजेंट सैलरी है अगर मैं उसमें 1000 ऐड कर दूं तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 7y, यानी 7 का कुछ मल्टीपल बनना चाहिए। सब में 1000 ऐड करना, जरा सारे ऑप्शन में 1000 ऐड करो, सारे ऑप्शन में 1000 ऐड करो, करो जरा। प्रेजेंट सैलरी में ये हो गया 9500, ये हो गया 10500, ये हो गया 11500 और ये हो गया 6000। राइट, अब अगर ये सारी की सारी सैलरी प्लस 1000 है, इट शुड बी 7y, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। आखिरी के दो जीरो तो हटा ही दो, इनका कोई ऐसा यूज है नहीं, है ना, आखिरी के दो जीरो तो हटा ही दो क्योंकि वो 100 के मल्टीपल बन जाएंगे, तो एनीवेज 7 से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, इनमें से एकमात्र नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, वो है 105। आंसर आ चुका, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, आंसर आ चुका था, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं थोड़ा रैपिड फायर मोड में चल रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग यार पढ़ाई करके आए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होंगे। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, 2 बार देखो 3 बार देखो यार। तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ही तो किस चीज की थी भाई, टाइम मैनेजमेंट। तो जितनी तुमने प्रैक्टिस की होगी ना उतना अच्छा है। आगे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, लाइक जरूर कर देना, अगर वीडियो पे अच्छे लाइक और कमेंट आएंगे आगे और वीडियोस लेके आऊंगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, 19 अगस्त 20 अगस्त 27 अगस्त 28 अगस्त तक जब तक पेपर होने सब सॉल्व करा दूंगा। यूट्यूब पर सपोर्ट आपका चाहिए भाई, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें ताकि आने वाले स्लॉट्स वाले बच्चों को हेल्प मिले भाई, जितना भला कर सकते हैं हम लोगों का उतना अच्छा है भाई। जूनियर्स में भी शेयर करें ताकि उनको अभी से पता चल जाए कि भाई कितना डिफिकल्ट पेपर आता है, तो अभी से अलर्ट रह के आपके जैसे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ना करें। जितने भी बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट इज द की फैक्टर। टेस्ट सीरीज परचेज करो, सॉल्व करो भाई, जितने टेस्ट लगाओगे उतना बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखोगे भाई, समझ रहे हो। उसके अलावा जिन बच्चों का पेपर हो गया, कट ऑफ कम जाने वाला, मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो यार, है ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है ना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, आपको लगता है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट के 2 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, फिर बोलते हो अबे यार पहले से तैयारी कर ली होती तो पहले से तैयारी करके रखो भाई। इंटरव्यू कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेस्ट सीरीज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, चेकआउट कर सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारा का सारा पेपर मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स से आया था बच्चों, राइट, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। कोई भी पूछना है कोर्सेज के बारे में, कोई भी क्वेरीज है, नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू।